16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मुझे बताओ मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, किसानों का कितना माफ किया, बेरोजगारों का कितना माफ किया, एक रुपया नहीं माफ किया। अगर आप किसी का जेब काटना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये तो मैंने अभी यादव जी के साथ किया, ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के साथ कर रहे हैं। उधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोन की लाइट चलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। जेल में ये देखो, ये जेल काट रहा है, इसका नाम अडानी। तीसरा है ऊपर 5% बजट आप कंट्रोल करते हो। अब ये देखो, यूपी की बात करता हूं मैं, आंकड़े निकालता हूं यूपी के बजट को। सुनो, यूपी के बजट को 90%, यूपी की 90% आबादी, यूपी के बजट को 62 अफसर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, 62। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन अफसरों में से, 62 अफसरों में से 90% के कितने यूपी में, बताओ। मैं आपको बताता हूं भाइयों, मैं बताता हूं, ओबीसी की भागीदारी यूपी के बजट में 55% हो आप कम से कम, आपकी भागीदारी 4%, ठीक है। दलितों की 6%, भाई आधे रमनकार पकड़ो, मतलब आपकी कहीं भी भागीदारी नहीं है। अगर आप समझना चाहते हो कि 90% लोग कहां काम करते हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी के लोग कहां काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं, इस देश में आपकी जगह मैं आपको बताता हूं। आप मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपको सब पिछड़े दिख जाएंगे, सब दलित दिख जाएंगे, सब आदिवासी दिख जाएंगे, सब माइनॉरिटी दिख जाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, शानदार, बिल्कुल शानदार, क्योंकि सच, सच शानदार होता है। आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, आप सफाई कर्मचारियों की लिस्ट निकालो, आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसको देखो, उसमें आपको मिलेंगे दलित, मिलेंगे आदिवासी, मिलेंगे माइनॉरिटी, मिलेंगे पिछड़े, मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। अच्छा, जेलों की लिस्ट निकालो, जेलों की लिस्ट में आपको पिछड़े मिलेंगे, दलित मिलेंगे, आदिवासी मिलेंगे, गरीब मिलेगा, एक अमीर व्यक्ति आपको हिंदुस्तान की जेल में नहीं मिलेगा। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मुझे बताओ मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया, किसानों का कितना माफ किया, बेरोजगारों का कितना माफ किया, एक रुपया नहीं माफ किया। तो ये भाई और बहनों हो रहा है, 1% के हाथ में पूरा का पूरा है। एक बात मैंने नहीं कही, इसमें गरीब जनरल कास्ट के भी बेचारे लोग हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता, वो भी बैठे हुए देखते रहते हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, दूसरी तरफ अदानी बैठा है, तीसरी तरफ अमित शाह बैठा है। अब समझना चाहते हो क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, समझना चाहते हो, मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं, कौन आएगा ऊपर, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। मैं हिंदुस्तान की पूरी पॉलिटिक्स, सरकार का पूरा काम आपको एक मिनट में समझाने जा रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। शाबाश, नाम क्या तुम्हारा? रघुनाथ यादव जी, इधर आओ, खड़े हो,
खड़े हो सामने, ये देखो रघुनाथ राजन यादव जी हैं, ये ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। यादव जी अब देखिए, यादव जी उधर देखिए, यादव जी उधर देखिए, यादव जी पीछे देखिए, ये देखो ये क्या हो रहा है। अगर आप किसी का जेब काटना चाहते हो तो सबसे पहले उसको इधर दिखाओ, उधर दिखाओ, ऊपर दिखाओ, नीचे दिखाओ। ये तो मैंने अभी यादव जी के साथ किया, ये काम नरेंद्र मोदी जी देश के साथ कर रहे हैं। उधर देखो, ऊपर देखो, थाली बजाओ, फोल्ड लाइट चलाओ, ये मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है भैया, अब एक और आदमी आओ ऊपर आ जाओ। ठीक है अब ये देखो, ये अब इनकी जेब काटेगा। ठीक है भैया, यादव जी आप उधर देखो, भैया आप इसके जेब में हाथ डालो, जेब में, ये देखो ये जेब काट रहा है, इसका नाम अदानी। भैया तीसरा आ जाओ ऊपर।